होली बस आने ही वाली है, मगर होली की धूम हर कहीं देखने को मिल रही है और होली का ऐसा ही माहौल देखने को मिला फिल्मालिया स्टूडियो में, जहां कलर्स चैनल के एक्टर्स ने मिलकर सेलिब्रेट किया होली को। हर एक्टर ने अपने अलग ही अंदाज में होली को सेलिब्रेट किया और रंगों से सराबोर ये एक्टर्स बहुत ही एंजॉय करते हुए नजर आए। इन एक्टर्स ने शेयर किए होली से जुड़े अपने व्यूज। इनका धमाल तो आप देख ही चुके हैं, इस बार भी कुछ स्पेशल तो होगा। एक्सटेंडेड फैमिली है, अब तो बड़ी हो गई है फैमिली, तो ऑब्वियसली धमाल भी डबल होगा। तो बस अंदर जाने का वेट कर रहे हैं हम लोग। पहले तो अंदर जाके देखूं क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ और जिससे बुरा लगे, पर मैं बोलूँ बुरा ना मानो होली। तो अंदर जाने का वेट कर रही हूँ कि अंदर क्या क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करूँगी क्या करना है। बहुत मस्ती मारने का हम लोगों ने प्लान किया है, स्पेशली मैंने और मेघा ने। तो अब मैंने और आकांक्षा ने मिलकर सिद्धार्थ को और हमारी पूरी जो फैमिली वहाँ पर खड़ी है, यानी कि मुन्ना और मामिनी, सबको गंदी तरह हम लोग रंगने वाले हैं। कुछ प्लान नहीं किया, मस्ती धमाल भी कुछ प्लान करने की जरूरत ही नहीं, बस माहौल होना चाहिए और अपना मस्ती धमाल शुरू ही हो जाए। ज्योत्सना ने वही ना, ज्योत्सना भी मतलब अभी माहौल अच्छा है तो वो अपना भी खुशियाँ हो जाएगी, खुशियाँ अपने आप आ ही जाएंगी माहौल के हिसाब से, और मस्ती करेंगे और अच्छे अच्छे दोस्त है तो फिर मजे तो आएंगे। प्लान ये है कि पहली बार मैं आई हूँ कलर्स होली पार्टी में और पहली बार कलर्स का हिस्सा भी बनी हूँ, तो खुशी और मेरी जो दोस्ती है वो हो गई है और बाकी सारे एक्टर्स से भी आज घुल मिल जाऊँगी, बिकॉज ज़्यादातर मेरे सीन्स जितने प्रोग्राम में हुए हैं वो सिर्फ सिद्धांत के साथ हुए, तो आज सबके साथ मिलने का मौका मिलेगा, त्यौहार है तो। लेकिन मेरे से पहले ही तूने दोस्ती कर ली थी। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना पहले कर ली थी, आज खुशी से। मैं अभी आप लोग अंदर आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अंदर कितना मजा हो रहा है। पिछली बार भी शायद आप लोग हमारे साथ थे और आप लोगों ने देखा कितना मस्ती हुआ, कितना धमाल हुआ। इस बार मस्ती डबल है क्योंकि हमारे आधे शोज में नई जनरेशन आ चुकी है, बहुत सारे नए नए लोग ऐड हुए हैं इस परिवार में, कलर्स के परिवार में, एंड इसीलिए मज़ा भी डबल होता जा रहा है। मैं नहाने का बड़ा शौकीन हूँ इसलिए पानी बहुत पसंद है मुझे, लेकिन उसके अलावा बेसिकली आई लव होली बिकॉज ऑफ कलर्स, बिकॉज ऑफ कलर्स का त्यौहार है, पानी का त्यौहार है, बहुत सारी मस्ती का त्यौहार है, और जैसे कहते हैं इस त्यौहार में दुश्मनी भूल के सब दोस्त बन जाते हैं, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। जी टारगेट तो खैर जितने अंदर मेरे ख्याल से कुछ हज़ार लोग हैं और वो हज़ार के हज़ार टारगेट पे हैं, जो हाथ में आ गया वो मर गया। पूरा धमाल धमाल भाई, अंदर वालों बच के रहना, कुर्बानी की टीम आ रही है, फुल धमाल होगा आज, कुर्बानी वालों से बचना पड़ेगा सबको। होली के रंगों से खेलना और सबके साथ मिलना और कलर्स कलर्स पे, ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जब आप अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा धमाल हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, आप लोगों के साथ क्या क्या होगा और ऑडियंस के साथ क्या होगा। आप माता जी को जिस रूप में देखेंगी मुझे लगता है देख के आप चकित हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये होली का जो त्यौहार हम अंदर खेल रहे हैं उनको देखकर अच्छा लगेगा, मजा आएगा, जितना मजा हमें आ रहा है और हम दोनों ने अपने अलग अलग गुट बनाया है और हम सिखा रहे हैं बच्चों को कि कैसे होली खेली जाती है। सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि सब मिलके होली खेलते हैं, रंगों में रंग जाते हैं, एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और जितनी मस्ती करनी होती है मस्ती कर लेते हैं। ये एक ही त्यौहार है जहाँ सब कुछ जायज है, कुछ नाजायज नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपने हाथों में माता जी को रख लिया है, ये भी जायज है। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, सब है, बहुत कलर है, बहुत मस्ती हो रही है। मैं एक्चुअली होली नहीं मनाती हूँ, बहुत कम मनाती हूँ, थोड़ा सा कलर इधर लगा दिया, थोड़ा सा कलर उधर लगा दिया, उसके बाद मैं घर पे सीधा नहा दूँ, ओके सो जाओ बस। यहाँ पे आज मुझे बहुत डर लग रहा है सबके सामने, मेरे घर पे ना कुछ भी नहीं, इतना कुछ खास नहीं होता, बाहर से मिठाइयाँ आती हैं, मिठाई खा लेते हैं, अगर कुछ बोल दो स्पेसिफिक बनाने के लिए तो मम्मी बना देती है घर पे, वैसे ऐसे कोई इतना बड़ा कुछ हवा नहीं होता मेरे घर में। रंग और पानी और ओवरऑल द फेस्टिवल इज ब्यूटीफुल, इट्स अ लवली लवली फेस्टिवल। ये मैं बचपन में तो बहुत डरपोक था, मैं छत पे जाके लोगों को गुब्बारे फेंकता था, लेकिन एक दिन कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया वो छत पे आ गए तो उसके बाद कोई मुझे पहचान नहीं पाया। अ लॉट ऑफ फन एंड यस, कलर्स के साथ मेरी दूसरी होली है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, सो एक नई फैमिली है, नई फैमिली के साथ पहली बार होली मनाने, तो आई एम लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ फन। मुझे लग रहा है कि लोग मेरे साथ शैतानी करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, मेरे बहुत दोस्त हैं अंदर सर, अभी आपने देखा होगा मिस्टर दुबड़ गए अंदर धीरे धीरे, तो बहुत सारे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा लगेगा मिलके सबसे, बहुत सारे और अंदर बहुत धमाल हो रही है मुझे पता है, मैं हर साल आता हूँ होली पार्टी में, मैं हर बार सोच के आता हूँ कि इस बार शायद साफ सुथरा बाहर निकलूँगा लेकिन निकल नहीं पाता हूँ, तो
वही शायद वही हश्र होने वाला है मेरा। मैं आता हूँ इस साल तो ऐसा लगता है कि नया ही एक सफ़र है। तो और जितने भी पुराने मेरे पालिका के जितने भी कोस्टार्स हैं, जितने भी टीवी के अलग अलग हस्तियां हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, एक अलग टाइप का गेट टुगेदर होता है और होली तो इन्जॉय होती है और साथ में अच्छा खाना भी मिलता है। यहाँ आने के बाद एक्चुअली मुझे इतना रंग लगाने का इरादा नहीं था, इतना भीगने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं जैसे ही घुसा तो एक फाउंटेन पे था तो मैं सब भीग गया और ये मुझे मालूम नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ अभी यहाँ पे। वैसे जिस चैनल का नाम कलर्स है उसका ऑब्वियसली होली से बहुत गहरा ताल्लुक है और ये पहला साल नहीं है कि कलर्स होली मना रहा है, हर साल मनाता है और मैं यहाँ हर साल आता हूँ। काफ़ी अच्छे वार्म फीलिंग आती है अंदर बहुत। अभी मेरे को गाना सुनाई दे रहा है, लोग पागल होंगे अंदर रंग बना के भूत, मेरे को पता नहीं पहचानूंगा कैसे मैं लोगों को, बट अच्छी बात है होली पार्टी है जी पुराने मानो। मैं उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ होली, आई रादर स्पेंड इट माई फैमिली, लेकिन ऐसे अगर मौके लगते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। कभी ज़्यादा देर में रुकूंगा नहीं, बट जितना रुकूंगा उतना मस्ती मारा। जिन दोस्तों से हम शूटिंग के टाइम मिल नहीं पाते, एक होली के दिन सब एक साथ आ जाते हैं और सब मिलना हो जाता है, साथ में कलर्स में रंग जाते हैं एक दूसरे के साथ और मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं। बचपन की यादें एक्चुअली मेरी कलर्स की पार्टी में आकर ही ताज़ा होती है, क्योंकि इसके अलावा ऐसी मस्ती वाली होली कहीं और होती नहीं है। तो यादें ताज़ा क्या या, और नई यादें बन रही हैं। ये हो क्या रहा है कि अंदर म्यूजिक चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया वाइस कर रही हूँ। नो बेसिकली आई एम एंकरिंग एंड देयर इज दिस कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम गर्ल्स वर्सेस बॉयज गेम्स खेल रहे हैं, तो मैं बस वही कर रही थी, मैं इन सबका वेट कर रही थी, मैं कब से ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कभी आएंगे ये लोग, एंड नाउ फाइनली फील दैट माय पीपल आर हियर सो आई कैन एंजॉय। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा डांस, मैं बहुत समय बाद पार्टी कर रही हूँ तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है आज। बेस्ट थिंग अबाउट होली फॉर मी इज द एटमॉस्फेयर। ये मेरा सबसे फेवरेट त्यौहार है, मैंने बचपन से आज तक हमेशा मनाया है, लेकिन हर साल मेरे साथ एक हादसा हो जाता है कि मेरी आंखों में रंग गिर जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्यार से होली खेलिए, बिकॉज़ लोगों को ये त्यौहार बहुत पसंद आता है, लेकिन एक्सीडेंट कोई नहीं होना चाहिए। होली है तो रंग और भांग से दूर कोई कैसे रह सकता है। इन एक्टर्स ने इस मौके को और भी खास बनाया नाच गाने के साथ, साथ ही लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी। देखिए होली पार्टी में मस्ती होती है, भांग होती है और दोस्त होते हैं, तो दोस्त अंदर है, भांग भी होपफुली अंदर है, मस्ती का पिटारा भी जा रहा है, सो आई गेस द होल पैकेज इज गोइंग टू बी देयर। हम नाचने भी वाले हैं, आप लोगों को और भी ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं, तो वो भी है अंदर, एंड जितने रंग हैं वो सब आपको थोड़ी देर में देखने वाले हैं। एंड आई नो अगर वो सब आ चुके हैं और मैं लेट हूँ, तो बम्बईया भाषा में जैसे कहते हैं मेरी बात है इससे की है, और मेरे जो ऑन स्क्रीन फादर इन लॉ है उन्होंने पूरा बाल्टी भर के पानी डाल दिया मुझ पर, और इन्होंने शायद बहुत सारी भांग चढ़ा ली है, तो थोड़ी सी मैंने भांग नहीं पिया, बट हाँ मैंने टेस्ट ज़रूर किया, बिकॉज आई ऑलवेज हर्ड दैट भांग पीना चाहिए, शगुन होता है, मैंने कभी पी नहीं है, सो आई जस्ट ट्राइड, एंड इफ आई एम सेलिब्रेटिंग होली विद ऑल माय को एक्टर्स, तो मेरा मन करता है कि मैं दिल खोल के खेलूं, ना कि थोड़ा बहुत, सो आई ऑलवेज बिलीव दैट। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, पर अभी असली मज़ा तो आना बाकी है, क्योंकि अभी हम लोग डर डर के खेले थे कहीं चेहरा ख़राब ना हो जाए, लेकिन अब तो ख़राब हो चुका है, तो अभी असली मस्ती बाकी है। होली की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर कोई पहचान भी नहीं आता, गोरा काला छोटा नाटा सब एक जैसे लगते हैं, तो होली में एक सबसे अच्छी बात है अनेकता में एकता, फिलोसफिकल है लेकिन सही है। भांग चीने आए हैं, भांग के साथ बस्ती अपने आप हो जाती है। पहली बार लाइफ में थोड़ा भांग ट्राई करूंगी, थोड़ा सा, और फिर कहूंगी बुरा ना मानो। आप सबको कलर्स के पूरे परिवार की तरफ से और एनबीटी की तरफ से होली की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैव अ सेफ वन। काफी बच्चे देख रहे होंगे, ऐसी गलत चीखें वो लोग सीखेंगे तो बहुत गलत होगा, इसलिए बी सेफ, प्ले गुड होली, ज़्यादा मस्ती मत करो, किसी का नुकसान मत करो। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली एंड हैव अ लवली एंड अ सेफ होली। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी सेफ, अच्छी साफ सुथरी होली खेलना, ऑर्गेनिक कलर्स यूज करो, अंडे वंडे मत मारना। हैप्पी होली। कलर्स को सबसे पहले बिग बिग थैंक यू, क्योंकि उनके साथ एक पहली शुरुआत हुई है मेरी और ये पहली होली है उनके साथ मेरी, तो थैंक यू कलर्स फॉर वेलकमिंग मी इनटू द फैमिली। और दूसरी बात, आई विश कि ये जो हमारा रिश्ता है वो बना रहे और आगे तक खूब जाए, और कलर्स के सारे दर्शकों को
ना कि सिर्फ कलर्स के, लेकिन दुनिया के सारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत मुबारक। मैं आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ कलरफुल होली। विश यू गाइस अ वेरी 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 हैप्पी होली। बी सेफ एंड प्ले। हैप्पी होली। तो विश ऑल द व्यूअर्स हैप्पी होली, सेफ होली। ज्यादा तीखे कलर ना लगाएं आप, और इको फ्रेंडली गुलाल इस्तेमाल करें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, बाल शक्ल स्किन ख़राब ना हो। और प्लीज़ कीचड़ और इससे थोड़ा कीचड़ और वार्निश और पेंट से थोड़ा दूर रहें, लोगों को बहुत तकलीफ होती है उसके बाद। मेरी तरफ से कलर्स के सारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत रिस्पॉन्सिबली प्ले कीजिए। होली का मतलब ये नहीं है कि आप फायदा उठाओ और शराब पियो, बे इंतहा ऐसा मत करो। होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रिस्पॉन्सिबली मनाओ और मस्ती मनाओ। होली के रंगों की तरह आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं और प्ले से। विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी एंड क्रेजी होली। होली के इस मौके पर कॉमेडियन ख्याली भी अलग ही अंदाज में नजर आए। होली के अंदर कलर्स ही देखे जाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और आज ही हमने होली मनानी शुरू कर दी। बहुत बहुत बधाइयाँ, होली के रंगों का त्यौहार है, इसको बिल्कुल रंगीन होके मनाइए। लेकिन कुछ लोग शराब शुरू पी लेते हैं, फिर बाद में इधर उधर गिरते हैं, ऐसा ना करें प्लीज। बच्चों को भी ध्यान रखें, आंखों में रंग ना गिर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी एक्टर्स बहुत ही मस्ती के मूड में दिखे। क्यों ना हो, होली मस्ती और प्यार का त्योहार है जिसमें दुश्मन भी गले लग जाते हैं। कलर्स के एक्टर्स ने तो होली को खूब एंजॉय किया। आशा करते हैं कि होली के रंग आपके जीवन में भी खूब सारा रंग भर दे। हैप्पी होली। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।